जी जा रहे साहब, लेकिन ना 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 अहमियत रखता है ये आज का, क्योंकि उनका साथ और पब्लिक का साथ अच्छा होता है। देश के मुझे अंदर भेजने के लिए अच्छा जाने में कोई देर है ना। मोबाइल ऐसा बाहर रखा है, मोबाइल बाहर, मैंने मोबाइल पहले बाहर क्या नाम है आपका? लविंदर कौर। आप यहाँ मतदान करने आई हैं, आप आज मतदान करेंगी, नई सरकार बनाएंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपको जिनको लेकर के आप मतदान करने वाली हैं? पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, और महंगाई के साथ साथ अर्निंग, महंगाई बढ़ रही है उसके साथ से अर्निंग भी लोगों की बढ़नी चाहिए, जो कि रोजगार पे बहुत ज़्यादा धक्का लगा है ये कोरोना की वजह से, वो हटना चाहिए, वो लेवल में आना चाहिए, जॉब्स मिलना चाहिए, काफ़ी समय से लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। अच्छा, आप पिछली सरकारों के बारे में क्या कहेंगी जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, भाजपा की हो, तो क्या कहेंगी आप इन सरकारों में जो आपने मुद्दे बनाए, कहीं ना कहीं ये हल हो पाए हैं या मुद्दे अभी भी बरकरार हैं? देखो, इस पर तो डिबेट नहीं कर सकते हम लोग कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अच्छा भी होता है, कुछ पसंद आता है लोगों को, कुछ नहीं आता, दोनों तरफ से करते हैं। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, जॉब्स मिलेंगे, काम मिलेगा, नेशन बढ़ेगा, और अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, हर मुद्दा जरूरी है। जी जा रहे साहब, लेकिन ना 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 अहमियत रखता है ये आज का, क्योंकि उनका साथ और पब्लिक का साथ अच्छा होता है। देश के मुझे अपना भेजने के लिए अच्छा जाने में कोई देर है ना। मोबाइल ऐसा बाहर रखा है, मोबाइल बाहर, मैंने मोबाइल।
जी क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह सलूजा। अमरजीत सिंह जी, आप यहाँ किस मोहल्ले में मतदान करने आए? लक्ष्मीपुरा के लिए आए हैं। आप ये बताएं कि आज आप मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? जो काम के लिए आए हैं, जो काम मिला है, अच्छा बिजली अच्छी मिले, पानी अच्छा मिले, सब काम मिले, जो बराबर है, जो आदि फालतू बैठे हैं, उनको काम मिलने लगाया जाए, काम की लगाया जाए। पिछले 5 वर्षों में जो वर्तमान सरकार रही है, क्या कहेंगे आप उस सरकार के बारे में, और जो मुद्दे आपने बताए हैं क्या उस सरकार में सॉल्व हो पाए हैं? क्या सरकार की मर्जी है, सरकार करे जो करेगी, सबका अच्छा करेगी, सबके लिए करेगी, अच्छा करेगी। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पटेरिया। जी, आप ये बताएं कि आज आपने मतदान किया है, आप यहाँ पोलिंग बूथ पे आए हैं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया, क्या मुद्दे रहे आपके? मैं चाहता हूँ कि जनपद में, प्रदेश में शांति रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आने जाने की, माँ बहनों की सुरक्षा रहे, यही हम लोग चाहते हैं। इसके पहले सपा की, बसपा की और भाजपा की सरकारें रही हैं। जी जी, क्या फर्क लगा है आपको उन सरकारों में, और अभी आपने जो मुद्दे बताए हैं वो क्या सॉल्व हो पाए हैं अभी तक? जी, अब कुछ समस्याएं निपटी हैं, कुछ चल रही हैं, सब अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन हमें अपने सोच विचार करके निर्णय लेना है, जिससे हमें उचित जो ईमानदार प्रत्याशी हो उसी का चयन हम लोग करें।